मंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को विश्व दिव्यांग दिवस के अवसर पर सुभाष रोड स्थित लॉर्ड वेंकटेश्वर हॉल में समाज कल्याण विभाग द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय दक्षता पुरस्कार समारोह में दिव्यांगजनों को सम्मानित किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कुल 32 दिव्यांगजनों को प्रशस्ति पत्र, मेडल, मानपत्र और 5,000 की धनराशि देकर सम्मानित किया, जिसमें 10 उत्कृष्ट दिव्यांग कर्मचारी, 11 दक्ष दिव्यांग खिलाड़ी, 10 स्वतः रोजगार में रत दिव्यांगजन और 1 सेवायोजक अधिकारी शामिल है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने दिव्यांगजनों के बीच जाकर उनका हौसला बढ़ाया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस अवसर पर दिव्यांगजनों के लिए 4 घोषणाएं की। उन्होंने कहा कि दक्ष दिव्यांग कर्मचारियों, उनके सेवायोजकों, स्वतः रोजगार से रत दिव्यांग व्यक्तियों और दिव्यांग व्यक्तियों के सेवायोजक अधिकारियों को राज्य स्तरीय पुरस्कार के रूप में दी जाने वाली धनराशि 5,000 रुपये से बढ़ाकर 8,000 रुपये की जाएगी। दिव्यांगजनों को विभिन्न सहायक यंत्र उपकरण हेतु कृत्रिम अंग अनुदान की धनराशि 3,500 रुपये बढ़ाकर 7,000 रुपये की जाएगी। वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत ही दिव्यांग पेंशन योजना को सरलीकृत करते हुए ऐसे समस्त दिव्यांग भी पेंशन हेतु पात्र होंगे जिनके पुत्र पौत्र 20 वर्ष से अधिक आयु के हों। दिव्यांगजनों को परीक्षाओं में न्यूनतम उत्तीर्ण अंक में 5% की छूट भी दी जाएगी। सबसे पहले तो मैं विश्व दिव्यांग दिवस के अवसर पर सभी दिव्यांग भाई बहनों को बहुत शुभकामनाएँ देता हूँ, बहुत बधाई देता हूँ कि वो सकारात्मक रूप से आगे बढ़ें, जीवन के हर क्षेत्र में आगे बढ़ें और अपना योगदान जहाँ अपने लिए, अपने परिवार के लिए, वहीं प्रदेश और देश की तरक्की में भी अपना योगदान सुनिश्चित करें। आज के इस अवसर पर दिव्यांग व्यक्तियों के सेवाजीक अधिकारियों को राज्य स्तरीय पुरस्कार के रूप में जो राशि 5,000 रुपये दी जाती थी उसको हमने 8,000 रुपये करने का निर्णय लिया है। दिव्यांगजनों को जो अपने सहायक उपकरणों के लिए जो 3,500 रुपये की धनराशि मिलती थी उसको 7,000 रुपये करने का भी हमने आज यहाँ पर निर्णय लिया है। और साथ ही जो वृद्धावस्था पेंशन में कुछ जटिलताएँ आ रही थी जिनके पुत्र पौत्र 20 साल से अधिक हो जा रहे थे तो उसको भी सरलीकृत करते हुए उनको भी यह पेंशन राशि दी जाएगी। पूर्व की भांति उनको पेंशन की राशि दी जाएगी। साथ ही साथ जो उत्तीर्ण अंक हैं उसमें 5% की छूट प्रदान की जाएगी, 5% कम अंक दिए जाएंगे।